यूपी के कुशीनगर में रेल प्रशासन ने अतिक्रमण कारियों पर डंडा चलाया और जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण को हटाया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सीधे संवाददाता अनुराग तिवारी का रुख करते हैं। अनुराग, रेल प्रशासन जागा और अतिक्रमण कारियों पर कार्यवाही की, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, कल जो है रेल प्रशासन का डंडा चला अतिक्रमणकारियों पे। जो भी रेलवे के आसपास जो लोग दुकानें लगाए हुए थे खड्डा रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण कर, उन सारे अतिक्रमणकारियों को जो है कल रेल प्रशासन का डंडा चलाया और उसके बाद से सारे अतिक्रमणकारियों पर जो है जेसीबी से उनकी दुकानों को हटवा दिया गया है। जी अनुराग, प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान क्या अतिक्रमणकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी ये कानूनी कार्रवाई तो अभी किसी तरह की नहीं हुई है। ये प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, हर साल ऐसे ही चलती है। रेलवे साल भर में जो है, एक साल के अंदर रेलवे प्रशासन ऐसे ही एक बार चौकसी दिखाती है और जितने भी रेलवे के भूमि में जो है जो दुकानें लगी रहती हैं, उन दुकानों को हटाने का ये सिलसिला हर साल ऐसे ही चलता है और फिर उसके बाद जो है दुकानें वहीं पर फिर स्थापित हो जाती है। अनुराग, इस कार्रवाई के दौरान कहाँ कहाँ अतिक्रमण हटाया गया और कितने लोग घर से बेघर हुए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये अतिक्रमण जो है खड्डा रेलवे स्टेशन से लेकर के और तहसील परिसर, तहसील से और आगे तक जितने भी रास्ते में जो जितने भी दुकानें, मैं आपको बता दूं, जो लोग झोपड़ी और टीन सेट में डाल करके अतिक्रमण किए हुए थे, उन सारे अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। मैं आपको बता दूं, करीब इसमें 40 से 50 दुकानें जो है हटी है, जिसके बाद से सब लोग जो है भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। शुक्रिया अनुराग आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नूर हसन फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। नूर, योगी सरकार में बदमाशों की धरपकड़ जारी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मुशरफ जी, आपको बता दूं, जैसा कि आए दिन बदमाश पकड़े जा रहे हैं यूपी में, ये बहुत ही योगी सरकार में बहुत ही तेजी से ये वारन चल रहा है। ये 2 क्षेत्र की पुलिस लगी हुई थी संभल चौराहा पर, जिसमें क्या चेकिंग चल रहा था, 2 बदमाश बुलेट पे सवार थे, इन्हें रोकने का प्रयास किया गया था। जैसे ही पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ये बदमाश नहीं रुके और इन्होंने तेजी से अपनी मोटरसाइकिल को दौड़ा दिया। इसी के साथ थाना कल शहीद के 3-4 साहब ने गाड़ी अपनी इनके पीछे दौड़ाई, साथ साथ ये बहुत तेजी से आगे भागे, लेकिन उनके हाथ नहीं आ पाए। आगे थाना कल शहीद ने दूसरी पुलिस को सूचना देकर इन्हें आगे से घेराबंदी के लिए कहा गया था। ऐसे ही दूसरी थाने की पुलिस आगे से घेराबंदी करती है, ये लोग देखते क्या है कि आगे से पुलिस इन्होंने अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतार देते हैं जी। वहीं बारिश के होते हुए इनकी गाड़ी फिसल कर गिर जाती है और जैसे ही पुलिस ये अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, इन्होंने पुलिस पर अनाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस उसी के जवाब में फायरिंग करती है तो इनके दोनों के पैर में गोली लग जाती है। जी नूर, कितने बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और कितने बदमाशों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया? देखिए सर, जैसा कि पुलिस का बताना है कि 2 बदमाश थे और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसमें फायरिंग हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में और दोनों बदमाशों को गोली लगी है और उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। जी नूर, गिरफ्तार बदमाशों में क्या कोई इनामी बदमाश भी है? अगर है तो उस पर कितना इनाम है? देखिए सर, अभी ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस उसकी छानबीन में लगी है कि इसमें कोई नामी बदमाश और इनामी बदमाश था या नहीं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात पुलिस पे सामने नहीं आई है। शुक्रिया नूर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के रामपुर में पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा मार्के की शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सफदर हसन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। सफदर, एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये जो मामला है, ये कल क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार पांडे भारी पुलिस बल के साथ रोड पर चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान उनके पास एक मुखबिर का फोन आया और बताया गया कि चावल भरा ट्रक आ रहा है, उसमें भारी मात्रा में हरियाणा मार्ग का दारू है। इसी बात को लेकर के सीओ ने तत्काल पुलिस फोर्स भेज करके ट्रक को कब्जे में करा लिया। सफदर, पुलिस ने शराब को कहां से बरामद किया और साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? सर, जब पुलिस ने ट्रक को रोका और जब तलाशी लेने पर उसमें चावल की कट्टे जब हटाए गए तो उसके नीचे भारी मात्रा में हरियाणा मार्ग की अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। 260 पेटियां हैं ये और इनके साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने मेगा नगला के पास से गिरफ्तार किया है।
और पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी हरियाणा से ला करके शराब का जो तस्करी की जाती है उत्तर प्रदेश में की जाती है, और ये जो इनका धंधा काफी दिनों से चल रहा उत्तर प्रदेश में, आखिरकार पुलिस को अब सफलता मिल ही गई और पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। शुक्रिया सफदर आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरठ में एक बार फिर लोगों का शर्मनाक चेहरा सामने आया। यहां पेट में गोली लगा युवक सड़क पर हाथ जोड़कर लोगों से अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे और युवक की मौत हो गई। संवाददाता अरुण ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या हो गया, लोगों को लोग वीडियो बनाते रहे और युवक ने दम तोड़ दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, आपको बता दें कि कौड़ी से खेल के विवाद को लेकर इनमें कहासुनी हो गई, जिसके कारण इनमें धमकी भी दी गई कि तुझे मैं जान से मार दूंगा। कल उसी वारदात को अंजाम दे दिया गया। अरुण, अगर युवक को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया होता तो शायद अब वो जिंदा होता, इस पर क्या कहेंगे? लोग वहां पर तमाशगी बने वीडियो बनाते रहे और देखते रहे, और जो युवक था वो गुहार लगाता रहा कि मुझे बचा लो और अस्पताल लेके चलो। उसके बावजूद भी किसी ने उस पर कोई भी दया नहीं दिखाई और उसे वहीं पर पड़ा रहने दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अरुण, घटना के बाद क्या पुलिस या फिर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? पुलिस प्रशासन अधिकारी कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे कि प्रशासन अधिकारियों को पता भी था, थाने की पुलिस को भी पता था, लेकिन मौके पर कोई भी नहीं पहुंचा। उसने थाने में भी गुहार लगाई थी। शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शाहजहांपुर में बदायूं फारुखाबाद हाईवे पर ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ढाई घाट से जल भरकर पटना देवकली मंदिर पर जल चढ़ाने जा रहे दो कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्मीकांत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, कैसे और कहां हुआ ये हादसा? थाना क्षेत्र के गांव नौगमा मुबारकपुर के निवासी दिनेश और उनके साथ कल्लू पुत्र शिवराम जी एक बाइक से जा रहे थे, दूसरी दिशा से ट्रक आ रहा था, जिसे आमने सामने एक्सीडेंट में ये मदनपुर के पास एक्सीडेंट हो रहा है बदायूं फरुखाबाद स्टेट हाईवे पर जी। तो एक्सीडेंट के साथ उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी जी। लक्ष्मीकांत, मृतक कांवड़िए कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे? ये सब कांवड़िए अपने गाँव नौगमा मुबारकपुर से जल लेकर सिक्की वहाँ जो है पटना देवकली स्थित सिक्की मंदिर है, एक वहाँ जल चलाने जा रहे थे जी। और रास्ते में जब ये हादसा हो गया। लक्ष्मीकांत, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर? जी, थाना प्रभारी तेजपाल सिंह से मुझसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने मौके पे जाके दोनों शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक को भी पकड़ा और उसके साथ ही उनके। शुक्रिया लक्ष्मीकांत आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।